डी ब्रोगली की वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, अब डी ब्रोगली की वेवलेंथ किसके लिए निकाल रहे हैं? फोटोन के लिए नहीं, प्रोटोन के लिए नहीं, फोटोन किसी के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। वो कह रहे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और उसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, वी, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी कितनी दी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है और क्या एक्वायर करता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो तुम इसे इक्वेट कर दो, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, या फिर कहां से आया इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी, कहां से मिली, चार्ज इंटू पोटेंशियल से। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी मोमेंटम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2m के, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, e इंटू वी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, एच बाई पी, डी ब्रोगली की वेवलेंथ है, और पी की जगह या तो ये पुट कर दो अंडर रूट ऑफ 2m के, या फिर ये पुट कर दो अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू वी। तो ये किसकी वेवलेंथ निकली, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की। तो तुम एक काम करो, इसके अंदर प्लैंक्स h, वो आखिरी फॉर्मूले में h प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, v नहीं पता। तो तुम यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, 12.3 बाय अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपकी वेवलेंथ की वैल्यू आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये डेरिवेशन आ सकती है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली ने अपना रिजल्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकाला तो ये आंसर आया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? इसके अंदर साइड पे एक फॉर्मूला लिख लो जो न्यूमेरिकल में आज बहुत काम आने वाला है, और हर न्यूमेरिकल में रादर काम आता है, साथ में लिख लो। तो इसके अंदर ऐसा लिखना है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, नोट लिख लो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पे ही आए, वो अल्फा पार्टिकल दे सकता है, वो प्रोटॉन दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न्यूमेरिकल किसी में भी आ सकता है। तो रिजल्ट ये है, देखो चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन पुट्टी नहीं किया, क्यू को ई पुट्टी नहीं किया, तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग विद द पोटेंशियल ऑफ वी, तो मैंने एनर्जी कितनी दी, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी से क्या बना, क्यू इंटू वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, और यही क्या होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम पी का फॉर्मूला अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आएगा, या फिर अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो पी का फॉर्मूला क्या आएगा, 2m इंटू क्यू इंटू वी आएगा, वी फॉर पोटेंशियल, ऐसे वी फॉर पोटेंशियल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला या तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये आएगा, या पोटेंशियल की फॉर्म में ये आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आएगी। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने, h डिवाइडेड बाय p, तो लैम्डा का फॉर्मूला लिख लो, या तो आएगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू k आ जाएगा, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू q इंटू कैपिटल V, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ना, अगर प्रोटोन आ जाता है पेपर में, फिर तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है, लैम्डा आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल आता है, अल्फा पार्टिकल का मास चार गुना ज़्यादा है प्रोटॉन से, चार्ज जो है वो टू टाइम ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल का लैम्डा आएगा। मतलब तीनों पार्टिकल, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल तीनों पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आता है, प्रोटॉन पे आता है, और अल्फा पे आता है, तो अकॉर्डिंगली मास और चार्ज चेंज करते रहना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, तो इसे साइड पे नोट कर लें, फॉर न्यूमेरिकल्स इसे नोट कर लें।